सब्सक्राइब टू द चैनल आरके सर मैथ्स वाले एंड प्रेस द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड फ्रॉम एवरी अपडेट। स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर मैथ्स वाले। तो आप सबके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि आप लोग का सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है। पैंडेमिक आया था, कोविड की वजह से रेगुलर क्लासेस नहीं हो पाए हैं, इसीलिए तेलंगाना बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि आपके सिलेबस से थोड़े से टॉपिक्स रिड्यूस किए जाएंगे। तो उसी के बारे में मैं आज आपके सामने वीडियो लेकर आ गया हूँ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जाकर नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करते हुए जाइए, क्योंकि लाइक बहुत मैटर करता है मेरे लिए। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इन्होंने थोड़े से टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिए हैं। पहले आप समझिए, फिर मैं आपको सीधा टेक्स्ट बुक और PDF की तरफ लेकर चलूँगा। साइमल्टेनियसली आपको बताऊँगा मैं कि क्या क्या टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, और आप आपकी टेक्स्ट बुक लेकर रेडी रहिए सो दैट आप उसमें मार्क भी कर लें कि कौन से क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाएंगे इस साल के लिए। तो चलिए आपको समझाता हूँ मैं सबसे पहले किस तरह से आपको ये सिलेबस दिया गया है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, PDF में आपको टॉपिक्स दे दिए हैं जो जो आपके एक एक चैप्टर में होते हैं। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर में अगर आपके पास 5 to 6 टॉपिक्स दिए गए हैं, तो इन्होंने क्या किया, उसमें से एक एक टॉपिक को एक अलग कैटेगरी में डाल दिया। वो कैटेगरी क्या है, वो है एक्टिविटी और प्रोजेक्ट की कैटेगरी। समझने की कोशिश करिए, फिर से समझाता हूँ। एक लेसन में अगर आपके पास है 5 टॉपिक्स, तो 5 टॉपिक्स में से इन्होंने क्या किया, वो एक टॉपिक को एक्टिविटी और प्रोजेक्ट में डाल दिया। इसका मतलब ये है कि वो जो एक टॉपिक इन्होंने यहाँ से उधर डाला है, वो टॉपिक में से आपको कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जी हाँ, वो जो टॉपिक वहाँ पे एक्टिविटी और प्रोजेक्ट में चले गई, वो सिर्फ एक्टिविटी और प्रोजेक्ट के लिए ही है। वो वापस से अब इस सिलेबस में ऐड नहीं होगी। जो कुछ भी वो क्वेश्चंस वो पर्टिकुलर टॉपिक के थे, वो क्वेश्चंस अब आपको इस एग्जाम में समेटिव 2 में आपके लिए नहीं पूछे जाएंगे। तो आई होप आप लोग को अच्छा थोड़ा फील हुआ होगा, क्योंकि रेगुलर क्लासेस नहीं हुए हैं ये साल और आगे आपका 10th भी होने वाला है। तो इसी तरह से आप लोग फुल कंसंट्रेशन से पढ़िए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके PDF पे। PDF पे मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या आपके पास डिलीट हुआ है, वैसे ही आपको जो जो भी डिलीट होगा टॉपिक आपको रीडर में समझाता हुआ चलूंगा, सो दैट आप यहाँ पे देखकर वहाँ पे रीडर में आपके मार्क कर लें कि कौन से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो सब अपने अपने रीडर्स लेके रेडी हो जाइए और टिक करना शुरू कर दीजिए। लीजिए हम आ गए PDF की तरफ। अब ये है आपका 9th क्लास का रिड्यूस सिलेबस का PDF। चलिए अब इसको डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको और डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर कि क्या क्या दिया गया है और क्या क्या रिड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर आता है आपकी 9th क्लास में रियल नंबर्स। अब यहाँ पे 2 कॉलम हैं, बहुत गौर से समझिए इसको। टॉपिक्स इन द सिलेबस मतलब आपको क्या क्या टॉपिक्स हैं सिलेबस में, और राइट साइड पे कॉलम दिया गया है एक्टिविटी प्रोजेक्ट बेस्ड लेसन्स। अब ये राइट और लेफ्ट पे जो कॉलम है उसको समझते हुए चलना है आपको। टॉपिक्स इन द सिलेबस फर्स्ट चैप्टर में देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब आप एक्टिविटी और प्रोजेक्ट की तरफ नज़र डालिए। यहाँ पे इस 7 टॉपिक्स में से कुछ भी एक्टिविटी या प्रोजेक्ट के लिए नहीं दिया गया है, जिसका मतलब साफ साफ है कि ये कंप्लीट चैप्टर आपके सिलेबस के लिए रहने वाला है। जी हाँ, कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं किया गया है। अगर वो डिलीट करते तो आपको वो एक्टिविटी और प्रोजेक्ट बेस्ड लेसन्स में देते थे, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं दिया है, तो आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट जैसे का वैसा रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं 2nd पॉलिनोमियल्स की तरफ। पॉलिनोमियल्स में भी देखिए आपको 7 टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में, इसमें से भी कुछ भी आपको एक्टिविटी या प्रोजेक्ट बेस्ड लेसन नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ 2nd चैप्टर भी आपका कंप्लीट जैसे का वैसा ही रहने वाला है। बढ़ते हैं 3rd चैप्टर की तरफ, एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री। अब ये चैप्टर में 2 टॉपिक्स दिए गए हैं, ये 2 के 2 टॉपिक्स आपको टोटल चैप्टर कर एक्टिविटी और प्रोजेक्ट में दिखाई दे रहा है। तो ये टोटल चैप्टर का मतलब ये है कि ये कंप्लीट चैप्टर आपका एक्टिविटी और प्रोजेक्ट के लिए है, ना कि आपके एग्जाम्स के लिए। तो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट आपका डिलीट हो गया। जी हाँ, आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 डिलीट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं 4th चैप्टर की तरफ अब, लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स में देखिए आपको कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। जी हाँ, एक्टिविटी और प्रोजेक्ट बेस्ड लेसन में यहाँ पे कॉलम खाली है, तो ये कंप्लीट टॉपिक्स जो है वो आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं 5th चैप्टर की तरफ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आपको कुछ भी नहीं दिया गया है एक्टिविटी और प्रोजेक्ट बेस्ड लेसन्स में, तो ये भी आपका चैप्टर कंप्लीट रहेगा। तो देखिए 5 चैप्टर्स में से आपको चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट डिलीट हो चुका है, बाकी के चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 5 जैसे के वैसे रहने वाले हैं।
आइए अब डिस्कस करते हैं सिक्स्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए यहाँ पे कितने टॉपिक्स दिए गए हैं इस चैप्टर में, 1, 2, 3 और 4। तो ये चार टॉपिक्स में से आपको क्या डिलीट किया गया है, एक्टिविटी और प्रोजेक्ट की तरफ नज़र डालिए। लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम्स यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम्स यूजिंग रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेजेस एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है लीनियर इक्वेशन के ऐसे प्रॉब्लम्स जहाँ पे रेशियो, प्रपोर्शन और परसेंटेजेस का इस्तेमाल किया गया हो, वो प्रॉब्लम एग्जाम्स में नहीं दिए जाएंगे। चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूँ रीडर की तरफ कि किन किन क्वेश्चंस को आपको मार्क करना है अब डिलीट करने के लिए। तो ये देखिए ये है सिक्स्थ चैप्टर। अब इस सिक्स्थ चैप्टर में आपको क्या क्या डिलीट किया गया है वो बताऊँगा मैं। तो लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम्स यूजिंग रेशियो, प्रपोर्शन और परसेंटेजेस। तो जो भी प्रॉब्लम्स में रेशियो, परसेंटेजेस ये ऐसा कुछ यूज़ हुआ है तो वो आपके चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको एक्सरसाइज 6.4 में मिलेंगे। तो जी हाँ, अपने अपने टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 6.4 निकाल लीजिए जो कि है पेज नंबर 142 पे। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज जो 6.4 आपकी है, ये कंप्लीट पूरे क्वेश्चंस डिलीट हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज 6.4 को मार्क कर लीजिए और ये जो हमारी एक्सरसाइज है सिक्स्थ चैप्टर से ये डिलीट हो चुकी है। अब चलिए डिस्कस करते हैं सेवन्थ चैप्टर। सेवन्थ चैप्टर में देखिए आपको चार टॉपिक्स दिए गए हैं और चार में से कुछ भी एक्टिविटी या प्रोजेक्ट के लिए नहीं लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि सेवन्थ चैप्टर भी कंप्लीट रहेगा जैसे का वैसा। अब बढ़ते हैं एट्थ चैप्टर की तरफ, क्वाड्रिलैटरल्स। अब क्वाड्रिलैटरल से देखिए आपको 1, 2 और 3 टॉपिक्स दिए गए हैं। अब इनमें से भी एक भी टॉपिक आपका डिलीट नहीं किया गया है, एक्टिविटी और प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट रहने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। नाइन्थ चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स से भी कुछ भी नहीं लिया गया है तो स्टैटिस्टिक्स भी जैसे का वैसा रहेगा। अब बढ़ते हैं टेंथ चैप्टर की तरफ। तो देखिए एक्टिविटी और प्रोजेक्ट बेस में जब कभी भी देगा आपको वो गौर से देखना है। तो क्या क्या है यहाँ पे टॉपिक्स इन द सिलेबस, देखिए सबसे पहले 1, 2, 3 और 4 चार टॉपिक्स में से आपको यहाँ पे टॉपिक नंबर 3 जो कि है CSA, TSA एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, ये टॉपिक एक्टिविटी और प्रोजेक्ट में दी गई है। और फोर्थ वाली टॉपिक में नज़र डालिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ये भी टॉपिक आपको एक्टिविटी और प्रोजेक्ट में दी गई है। तो मतलब टॉपिक 3 और टॉपिक 4 जो आपको यहाँ पे दिया गया है वो आप कंप्लीट छोड़ सकते हैं आपके SA2 एग्जाम्स के लिए। तो ये रहा इस चैप्टर के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे टेक्स्ट बुक की तरफ, क्योंकि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि क्या क्या आपके क्वेश्चंस नहीं आने वाले। तो जो कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले आप उसको टेक्स्ट बुक की मदद से कट कर लीजिए सो दैट आपको मालूम रहे कि ये आपको नहीं पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं अब टेक्स्ट बुक की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, टेंथ चैप्टर जो कि है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, उसमें दो टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, CSA, TSA एंड वॉल्यूम ऑफ कोन और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो ये दो टॉपिक्स जो हैं वो मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 10.2 के बाद। जी हाँ, 10.1 और 10.2 वैसे ही रहेगा, बट 10.3 से देखिए आप जो कि 10.2 के बाद एकदम आता है टॉपिक एक, राइट सर्कुलर कोन। तो यहाँ से आपके कंप्लीट टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं, ये है CSA ऑफ कोन, TSA ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो ये सब टॉपिक्स आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। अब ये डिलीटेड टॉपिक्स जो है वो एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस में मिलेंगे आपको। तो एक्सरसाइज 10.3 भी आपके डिलीट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी चले गई। नेक्स्ट आता है, ये भी कंप्लीट चलेगा आपका, स्पीयर। तो स्पीयर के बारे में भी कहा गया है कि स्पीयर से कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी एक्सरसाइज 10.4 भी डिलीट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट आपकी एक्सरसाइज 10.4 भी समझिए डिलीट हो गई। तो ये था 10th चैप्टर के बारे में। आइए अब वापस से डिस्कस करते हैं 11th चैप्टर। 11th चैप्टर देखिए एरियाज। तो एरियाज में भी आपको 1, 2, 3, 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। 3 में दो टॉपिक्स है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्या दिया गया है एक्टिविटी और प्रोजेक्ट बेस्ड लेसन्स में, यहाँ पे हमें 3 टॉपिक्स दिए गए हैं। सबसे पहले है एरिया ऑफ प्लेनार रीजियन, ये टॉपिक अगर एक्टिविटी और प्रोजेक्ट में दिया गया है तो मतलब वो सिलेबस से डिलीट हो गया। सेकेंड टॉपिक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के क्वेश्चन भी आपको नहीं आएंगे। और थर्ड वाला है फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो ये 3 टॉपिक्स आपके डिलीट कर दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अब टेक्स्ट बुक की तरफ। फिर से मैं आपको समझा दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस अब आपको नहीं पूछे जाएंगे आपके सबमेटिव असेसमेंट 2 में।
अब आइए बात करते हैं 11th चैप्टर की, जिसका नाम है एरियाज। तो एरियाज में क्या क्या डिलीट किया गया है, एरिया ऑफ प्लेनार रीजन। तो ये रही टॉपिक एरिया ऑफ प्लेनार रीजन, ये कंप्लीट टॉपिक डिलीट कर दी गई है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी डिलीट कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट डिलीट हो जाएगी, ये कंप्लीट क्वेश्चंस आपके डिलीट कर दिए जाएंगे। तो ये हो गई एक्सरसाइज 11.1 की बात। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ये टॉपिक भी आपकी डिलीट हो चुकी है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 11.2 में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 4 को आप मार्क कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 7 को मार्क कर लीजिए, ये और एक होगा क्वेश्चन नंबर 10, 4, 7 और 10। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके इस साल नहीं आने वाले। तो ये थी चैप्टर नंबर 11 की बात, बाकी के आपके पूरे यहाँ पे सेम रहने वाले हैं, 11.3 एक्सरसाइज आपका सेम रहेगा। आइए अब डिस्कस करते हैं 12th चैप्टर, दैट इज सर्कल्स। तो सर्कल्स में देखिए सबसे पहला आपको कितने टॉपिक्स दिए गए हैं उस पर नज़र डालिए, 7 टॉपिक्स है आपको, 4 यहाँ पे ऊपर है और नीचे यहाँ पे 3 दिए गए हैं। अब इनमें से अब आपको देखना है कि कौन से टॉपिक्स एक्टिविटी और प्रोजेक्ट में दिए गए हैं। इसमें से सिर्फ 2 टॉपिक्स आपको एक्टिविटी और प्रोजेक्ट में दिए गए हैं। तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ टेक्स्ट बुक की तरफ। अब आइए बात करते हैं सर्कल्स के बारे में, जो कि है चैप्टर नंबर 12। इसमें क्या क्या डिलीट किया गया है चलिए आपको बताता हूँ मैं। 12.1 एक्सरसाइज आपकी सेम वैसे ही रहेगी। अब बढ़ते हैं आगे, अब आप निकाल लीजिए पेज नंबर 267, जी हाँ पेज नंबर 267 पे आपको एक टॉपिक दिखेगी, द 3 पॉइंट्स दैट डिस्क्राइब अ सर्कल, ये टॉपिक भी डिलीट कर दी गई है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 12.3 में, जी हाँ 12.3 में। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन को डिलीट कर लेना है, एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1 ये आप टिक कर लीजिए, ये डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है यहाँ पे थियरम 12.4। पेज नंबर 274 पे एक थियरम दी गई है आपको, थियरम 12.4, ये थियरम भी आपकी कंप्लीट डिलीट हो गई है इस चैप्टर से। बाकी के पूरे आपको वैसे के वैसे ही मिलेंगे सर्कल्स में। तो ये रही बात सर्कल्स की। अब बढ़ते हैं 13 चैप्टर कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 टॉपिक्स है। इसमें से क्या क्या डिलीट किया गया है देखिए, यहाँ पे बेस, बेस एंगल एंड डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स, जो कि सिलेबस में टॉपिक नंबर 3 है। उसके बाद आएगा पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स, जो कि है टॉपिक में 4th वाला। और देखिए लास्ट वाला है टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल सेगमेंट गिवन कॉर्ड एंड अ गिवन एंगल। तो ये कंप्लीट 3 टॉपिक्स आपके सिलेबस से डिलीट किए गए हैं। सीधा चलेंगे अब टेक्स्ट बुक की तरफ, अपने अपने टेक्स्ट बुक्स ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, मार्क करने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो इसमें आपको क्या क्या डिलीट किया गया है बताता हूँ मैं आपको। चलिए आपके पेजेस आप ऐसी तरह से पलटाते जाइए, 13.1 जैसे का वैसा ही रहेगा। अब आपको यहाँ पर टॉपिक देखना है जो डिलीट किया गया है, पेज नंबर 286 पर कंस्ट्रक्शन, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, बेस एंगल एंड द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स, ये टॉपिक डिलीट हो गई। नेक्स्ट आते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स पेरीमीटर एंड इट्स बेस एंगल्स, ये टॉपिक भी डिलीट कर दी गई है। नेक्स्ट आते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल सेगमेंट गिवन अ कॉर्ड एंड अ गिवन एंगल, ये टॉपिक भी डिलीट हो गई। अब ये टॉपिक में एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स कौन से रहेंगे देख लीजिए गौर से। एक्सरसाइज 13.1 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 ये कंप्लीट डिलीट हो जाएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है इस चैप्टर से। अब आ गया लास्ट चैप्टर, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में से आपको यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और 5 टॉपिक्स दिए गए हैं। ये कंप्लीट टोटल चैप्टर आप रख दिया गया है एक्टिविटी और प्रोजेक्ट बेस्ड लेसन्स में। तो इसका मतलब साफ है कि ये कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो गया है। जी हाँ प्रोबेबिलिटी अब आपको नहीं पढ़ना है, इसको आप स्किप ही कर दीजिए। तो आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गई है कि कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। इसी के लिहाज से आप पढ़ते जाइए और एग्ज़ाम्स अच्छे से लिखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करते हुए जाइए वीडियो को। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में भी ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मत भूलिए, क्योंकि मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम प्लीज़ कीप लर्निंग।